फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल एजुकेशनल आरके पॉइंट। यहाँ पे देख रहे हैं बहुत ही बड़ी वैकेंसी निकल कर आई है, बीपीएससी यानी कि 66वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा। तो मैं ये उन लोगों के लिए खासकर कहना चाहूँगी जो अभी बिहार बीएड का फॉर्म भरे थे और उन्होंने जीके जीएस बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है। तो खासकर उन लोगों के लिए, उन लड़कियों के लिए, खासकर लड़कियों के लिए, क्योंकि एसटीएम बनने का सपना, वीडियो बनने का सपना किस लड़की या लड़कों का नहीं होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि बीपीएससी में आप इंटरेस्टेड हैं, आपकी जीके अच्छी है, तो आप इस फॉर्म को ज़रूर फिलअप करें, क्योंकि आप बिहार के लड़कियाँ हैं, बिहार के लड़के हैं, तो आपके लिए पीसीएस यानी कि बिहार पीसीएस से अच्छा मौका कुछ भी ऐसा नहीं आएगा। अगर आप फर्स्ट टाइम अटैम्प्ट कर रहे हैं तो आप प्लीज़ आप इस फॉर्म को जरूर फिलअप करें, क्योंकि आपकी जीके की तैयारी ऑलमोस्ट हो चुकी है। आपको थोड़े बहुत पढ़ने हैं, एटलीस्ट प्री निकल जाएगा, उसके बाद मेंस के लिए आप सोचोगे। एक बार आप मेंस तक आप पहुंच जाओगे ना, तो आपके अंदर वो जो कॉन्फिडेंस आएगा ना, वो कॉन्फिडेंस कोई नहीं होता। और इसके एग्जाम में भी अभी दो महीने हैं, यानी कि अक्टूबर और नवंबर है, दिसंबर 5 दिसंबर से इसका एग्जाम, 5 दिसंबर को इसका एग्जाम है। और हो सके तो डेट तो वैसे बढ़ेगा नहीं, लेकिन हाँ, यहाँ पे मैं आपको कुछ कुछ और बता दूं कि ₹150 लड़कियों के लिए फी है और अनुसूचित जनजाति एससी एसटी लोगों के लिए है, और ₹600 लड़कों के लिए है, यानी कि ओबीसी, जनरल, EWS जिसमें ये लड़के लोग आते हैं उनके लिए ₹600 फी है। तो आप लोगों को फी पता चल गया। इसकी मिनिमम एज है और मैक्सिमम मिनिमम है 20 साल से 40 साल तक। अब इन्होंने थोड़ा सा बढ़ोतरी किया है। अगर आप लोग भरना चाहते हैं तो आप यहाँ पे भर सकते हैं। अगर आप पुलिस विभाग में जाना चाहते हैं तो आपकी हाइट 5 फिट 5 इंच रहनी चाहिए। ओके, चलिए मैं आपको और कुछ जानकारी दे देती हूँ। सबसे पहले जिन दोस्तों को मैं ये बोलना चाहूँगी, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, अगर आप पुराने हैं तो आपके लिए छोटा सा काम है, हमें लाइक कीजिए और घंटी वाले बेल आइकन पर जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि जब भी मेरा वीडियो आएगा नोटिफिकेशन एक घंटी आपके फ़ोन की टिन टिन बजेगी। तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं हम। तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि इतने सारे यहाँ पे क्या है, यानी कि पोस्ट वगैरह है, और इसमें सैलरी तो काफ़ी ज़बरदस्त रहती है। भले ही आप इसको कहते हैं, लेकिन मैं तो कहूँगी अगर आपकी जीएस की प्रिपरेशन है तो आप पूरा पूरी इस फॉर्म को भरिए। चलिए इसकी एलिजिबिलिटी क्या है वो देखते हैं। शैक्षिक योग्यता, मैं थोड़ा लेट इसलिए सेशन बना रही हूँ क्योंकि बीएड का एग्जाम था, बहुत लोग, अब बीएड का एग्जाम हो चुका है, आज हो सके तो आपका आंसर शीट भी आ जाएगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि आपको बस ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, जो लोग ग्रेजुएट नहीं है वो लोग नहीं करता। और यहाँ पे मैं बता दूँ, किसी भी आरक्षण का लाभ यहाँ पे नहीं मिलेगा अगर आप बाहर से हैं तो, लेकिन अगर बिहार से हैं तो आपको 35% का आरक्षण लड़कियों के लिए मिलता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। चलिए मैं आपको और कुछ बता दूँ, ये नोटिफिकेशन मैं डाल दूंगी, आप वहाँ पे फिर वहाँ से देखकर पढ़ लेना। सामान्य अभ्यर्थियों के लिए ₹600 है, केवल बिहार के अनुसूचित जाति के लिए ₹150, महिला जितनी भी महिलाएं हैं उनके लिए भी ₹150 है। अगर आप बाहर के हैं यानी कि बाहर की महिला हैं तो फिर आपके लिए भी ₹600 आप जनरल कैटेगरी में आएंगी। क्योंकि देखिए, एक बीपीएससी बिहार पीसीएस बहुत ही अच्छा मौका है, आप, मैं तो कहूँगी कि आप लोग भर लीजिए। पूरी जानकारी आपको यहाँ पे दी जाएगी, आप बस हमारे चैनल पर बने रहिए। यहाँ पे देख लीजिए, ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि है 28/9/2020, ऑनलाइन आवेदन करने की जो बिगनिंग डेट है यानी कि शुरुआती डेट है 28/9/2020, और ऑनलाइन आवेदन की भरने की अंतिम तिथि है 20/10/2020 तक। तो आप इस फॉर्म को यहाँ अब तक भर सकते हैं, यानी कि एक मंथ लगभग आपको मिल जाते हैं, एक मंथ से थोड़ा कम ही, लेकिन एक मंथ मिल जाते हैं। मैं आपको पूरी प्रक्रिया बताऊं कि आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, क्योंकि इसमें इतने भी भारी क्वेश्चन नहीं आते। आपने जो क्वेश्चन देखा होगा बिहार बीएड में, उससे थोड़ा हाई लेवल आता है, बट उतना भी भारी नहीं आता। आप प्री को ईजिली क्वालिफाई कर सकते हैं अगर आपकी स्ट्रेटेजी थोड़ी सही रही तो। बाकी तो आप जानते ही हैं कि किसी भी एग्जाम में पढ़ना पड़ता है, बिना पढ़े कुछ नहीं निकलने वाला है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, बस इतना ही था। और यहाँ पे मैं उस लड़कियों को खासकर बोलना चाहूँगी कि आपको 35% का आरक्षण भी मिला हुआ है, आप लोग इस फॉर्म को ज़रूर भरें। और खासकर जो बॉयज हैं, मैं उन लोगों के लिए भी कहूँगी कि एक आप बन जाओगे तो आपके नाम के आगे एसडीएम का वीडियो का टैग लग जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर आप कम भी मार्क्स आते हो तो उससे भी अच्छा अच्छा पोस्ट ही मिलता है, कभी भी खराब पोस्ट नहीं मिलता, और आपकी जीके की इतनी अच्छी तैयारी हो जाएगी। इसका आप इतने सारे पैसे तो खर्च करते हो, बस ये भी एक फॉर्म है, फिलअप करके खर्च करके फॉर्म भर लो, क्या पता कहीं किस्मत आपका साथ दे दिया। बाकी पढ़ोगे तो वो आपका मेहनत साथ देगा, लेकिन कभी कभी कुछ बच्चों का किस्मत भी साथ देता है। खैर, मैं किस्मत पे भरोसा नहीं करती हूँ, मेहनत पे भरोसा करती हूँ। तो आप लोग मेहनत कीजिए, आपका एसटीएम बनने का सपना ज़रूर पूरा होगा।
तो चलिए, आई होप कि आपको मेरा सेशन पसंद आया होगा। अगर आया होगा तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटी वाले छोटे से बेल आइकन पर क्लिक करें। आपका दिन आज के लिए मंगलमय हो।